दोस्तों यहाँ पे कुछ मिले हैं, मेला के बारे में किस तरह से जानकारी रखते हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मधुकम से। मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? इस बार बहुत मज़ा आएगा, देख सकते हैं अब तैयारी, बहुत मज़ा आएगा इस बार हमें घूमने में। बहुत मज़ा आएगा, 2 साल के बाद आने को मिलेगा। अच्छा, जो ये झूला जो बनाया गया है, ये कभी झूले हैं इसमें? झूले हैं, बहुत बार झूले, फिर इस बार भी झूलेंगे। ये बड़ा वाला झूला में इसमें? हाँ, इसमें झूलेंगे। हाँ हाँ, झूलेंगे, जरूर झूलेंगे। मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं। दोस्तों इस वक्त मैं राजधानी रांची का ये अपर बाज़ार का पंडाल का ये मेला मैदान है, और इस मेला में कौन कौन से झूला लगाई गई है, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें लगाई गई है, कैसे तैयारियाँ चल रहा है, इस पर हम आप सबको दिखाने वाले हैं। पीछे जो आपको दिख रहा होगा ये बेहतरीन मजबूत तरीके से एक दृश्य पंडाल बनाई गई है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और क्या क्या चीज़ें बच्चों का खेलने के लिए झूला किस कैसा बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, इन चीज़ों को हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। कि आपको दिख रहा होगा ये राजधानी रांची का ही ये बकरी बाज़ार का ये अपर बाज़ार का ये जगह है, और यदि आप आना चाहेंगे तो आप आसानी से आप आ सकते हैं। और पीछे भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये बेहतरीन तरीक़ा से एक सुंदर तरीक़े से पंडाल बनाई गई है, और भी हम आपको पूरा मेला को हम आपसे आसानी से घुमा करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। पीछे आप मेरे साथ चलना पड़ेगा, कुछ मिनट के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ मेला पे पंडाल बनाई गई है और कैसे यहाँ की विधि व्यवस्था है, तमाम चीज़ों से भी हम रूबरू कराएंगे। ये भी पीछे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन बनाया गया है, एकदम सुंदर पंडाल बनाया गया है दोस्तों। और इससे मेरा पीछे जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो बच्चों के लिए खिलौना, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे मज़े ले सकते हैं, अगर सच बताऊँ तो इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों। ये जो पीछे आपको दिख रहा होगा ये, और इसमें से भी बेहतर सबसे उम्रदार लोगों के लिए ये जो आपको पीछे दिख रहा होगा बड़ा वाला झूला, आप इसमें भी झूल सकते हैं दोस्तों। मैं आपको अपना कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले बार जब हम मेला में जब ये बड़ा वाला झूला में जब झूल रहे थे, उल्टी लग गई थी दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितना कोई इस भाड़ा में ये बड़ा वाला झूला में झूलते हैं, और कितना कोई को झूलने में मज़ा आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये जो पीछे भी आपको दिख रहा होगा, और यह भी बच्चों के लिए खिलौना खेलने के लिए झूला बनाई गई है दोस्तों, पीछे भी आपको दिख रहा होगा ये, और बेहतरीन तरीक़ा से सजावट चल रही है। अभी फ़िलहाल तो तैयारियां ही चल रहा है दोस्तों, और जिस दिन मेला स्टार्ट होगी उस दिन भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ की जितने भी चार्ज जिस तरीक़े से लगता है, उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए हम आप सबको रूबरू कराएंगे। और हालांकि फ़िलहाल जो तैयारियाँ चल रहा है, ये पीछे भी आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा क्या चीज़ें हैं आप जिस दिन चलेगी तभी हम बता पाएंगे दोस्तों। ये नया तरीका का इस बार 2 साल के बाद दोस्तों, पिछले कोरोना काल से ये मेला एकदम पूरी तरह से बंद पड़ी थी, जैसा ही कोरोना काल ख़त्म हुआ दोस्तों, ये राजधानी रांची में फिर से मेला का महोत्सव मनाने के लिए काफ़ी लोग उत्साहित है, और ये मेला कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक मेला होने वाली है इस बार राजधानी रांची में दोस्तों। ये पीछे आपको दिख रहा होगा मौत का कुआं, ये मौत का कुआं है दोस्तों, और कितना कोई मौत का कुआं देखने में मज़ा आता है, वो लोग भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि पता चले कि मौत का कुआं कितना मज़ा आता है देखने में। ये जो आपको पीछे दिख रहा होगा दोस्तों, ये कौन सा चीज़ है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नया ऐसा चीज़ों को यहाँ लगाया गया है जो पहले कभी हुआ ही नहीं, ऐसा चीज़ों को यहाँ फील्ड में लगाया गया है दोस्तों। ये जो खिलौना एकदम बेहतरीन नया ज़माने का टेक्नोलॉजी, इस पर कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल किया है। पीछे आपको दिख रहा होगा, पीछे बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के तमाम चीज़ों तक खेलने कूदने के लिए यहाँ बनाई गई है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीछे, ये एकदम पूरा खिलौना से सजाई गई है दोस्तों। ये जो पीछे आप अपने फैमिली के साथ यहाँ आके भी आप मज़े ले सकते हैं, और अपने संगे संबंधी के साथ भी आप आके एकदम इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। ये जो पीछे आपको दिख रहा होगा, ये भी एकदम बेखूबी तरीके से सजाया जा रहा है, हालांकि ये सजावट अभी कुछ बाकी है दोस्तों, अभी तैयारियां चल ही रहा है। पीछे आपको दिख रहा होगा, ये एकदम पूर्ण रूप से अभी सजावट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
अगर आप जिस दिन अगर कंप्लीट हो जाएगा वो दिन सच में ये राजधानी का मेला एक ऐतिहासिक होने वाली है। और जो ये जो पीछे आपको दिख रहा होगा ये पंडाल, बड़े बड़े पंडाल बनाई गई है दोस्तों, और पीछे भी आपको दिख रहा होगा ये पीछे में ये मौत का कुआं बनाया गया है, इसमें भी आप बच्चों को झूला सकते हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा ये आप ये वाला तो सबसे बड़ा वाला झूला। मैंने आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, पिछले बार जब हमारे इलाके में एक मेला लगती है वहाँ पे भी मैं जब यही वाला पीछे जो आपको दिख रहा होगा यही वाला झूला में मैंने झूल रहा था, लेकिन उल्टी आ गई है। इस तरह से होता है। और आपको भी अगर आप कभी भी बड़ा वाला झूला में अगर आप नहीं झूले हैं तो एक बार झूल के दिखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से झूला लगता है। और ये भी पीछे वाला आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये पीछे भी तैयारियां ही चल रहा है, अभी तक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आज जो कैंटिंग पेंटिंग की तमाम तैयारियां चल रहा है, इसके बीच में ही मैं आपसे आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ। राजधानी रांची का ये इलाका है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये लोकेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, आप आसानी से आके आप इस मेला का आनंद ले सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। लेकिन इससे पहले ही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से यहाँ तैयारियां चल रहा है। आपको दिख रहा होगा ये पीछे जो पंडाल है, ये बहुत बड़ा पंडाल है दोस्तों, आप आसानी से आके आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ों का मज़े ले सकते हैं। खास करके यहाँ खिलौना बनाया गया है मौत का कुआं। मौत का कुआं दोस्तों देखने में तो हमें बेहद मज़ा भी आता है, आप सब कैसा आता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको मौत का कुआं, और कितने लोगों को जो बड़ा वाला झूला में आप लोग झूले हैं ये भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पता चलेगा कि हमारे दर्शक कितने कोई बड़ा वाला झूला में झूलते हैं और मज़ा लेते हैं, ये भी समझ में आएगा दोस्तों। और ये जो नज़ारा मैंने आप सबको दिखाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों, ये राजधानी रांची का बकरीद बाज़ार का ये मैदान में हर साल की बातें या मौसम मनाई जाती है। और हालांकि मैं पहली बार आप सबको हमारे चैनल की माध्यम से मैं आप सबको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो पीछे वाला पंडाल एकदम बेहद खूबसूरत है, हम करीब से आपको दिखाने की प्रयास करेंगे। ये जो पंडाल है दोस्तों एकदम बेहद खूबसूरत लग रहा है। और यदि आपके पास अगर नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो आप इस पे आप झूल सकते हैं, ये देखिए इसमें आप रेसिंग क्या कार बोलते हैं पता नहीं, जिस दिन कार की जो रेसिंग होगी, जिस दिन मेला स्टार्ट होगी उस दिन हम आप सबको ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि किस तरह से यह झूलने में कितना चार्ज है, कैसा है, किस तरह से है, वो चीज़ हम फिर से आपको बताएँगे। लेकिन आप इस मेला में तमाम परिवार फैमिली और तमाम बूढ़े बच्चे के साथ आप आ सकते हैं, इस मेला का आप मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। और ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ, ये राजधानी रांची का बकरी बाज़ार का ये मैदान, आप आसानी से आके आप अपने फैमिली लोगों के साथ आके आप मेला का मज़ा ले सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये बड़ा वाला झूला, ये भी जिस दिन मेला स्टार्ट होगी उस दिन भी मैं आप सबको दिखाऊंगा दोस्तों कि मेला में झूलने में कितना मज़ा आएगा और किस तरह से मज़ा आएगा, इतने सारी चीज़ों को हम आपको आसानी से घर बैठे हम दिखा सकते हैं। तो ये छोटे से जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, हमारा उभर सा झारखंड में ऐसा ही छोटी बड़ी जानकारी के साथ मैं आपको रूबरू कराऊँगा। और ये जो फिलहाल मैं बकरी मैदान में बकरी बाज़ार मैदान से मैं आप सबको मेला की कुछ जानकारियां मैं आपसे शेयर किया है, आप वीडियो कैसे लगी हमारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें खुश लगता है कि आप भी हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को रखते हैं। इसके लिए मैं आप सबको आभारी हूँ। थैंक यू, जोहार।